गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो यहाँ पे मैं अपने जो है कपड़े निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे नहाना है। सो उसके बाद मैं जो कपड़े पहनूंगी वो निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे मंदिर जाना है। मैं ऐसे शॉर्ट्स और टी शर्ट में तो नहीं जाती मंदिर, मतलब टी शर्ट के नीचे स्कर्ट पहनती हूँ। सो आई एम लुकिंग फॉर अ टी शर्ट एंड स्कर्ट। सो देखते हैं क्या पहनूंगी मैं। और उसके बाद मैंने ये कपड़े निकालने शुरू कर दिया। और दोस्तों मैंने वर्कआउट कर लिया है, घर सफाई कर लिया है, क्लीनिंग कर लिया है। सो ये कपड़े निकल गया है। दूसरे वाले ड्रॉज में मैं साड़ी और स्कर्ट रखती हूँ ऊपर, और नीचे जो है सारे दुपट्टाज जो रखे हुए हैं। और तो यहाँ पे मैं बालकनी में आके मैं देख रही थी, यहाँ पे पटाखे फोड़ रहे हैं। अभी भी दिवाली चली गई है बट स्टिल पटाखे फोड़े जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दिवाली अभी ख़त्म नहीं हुई है, पूरा नवंबर ऐसा होगा। और शादी भी आ रही है तो शादियों में भी पटाखे फोड़े जाएंगे। सो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर आ गई थी दिखाने के लिए। देखो किस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगता है दूर से ऐसे, मतलब रॉकेट देखने में जलते हुए। सो यहाँ पर मैं आ गई थी बालकनी में। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा किस तरह से पटाखे फोड़े जा रहे हैं। सो मैं यही बोलती हूँ कि ज़्यादा पटाखे ना फोड़े क्योंकि प्रदूषण तो होता ही होता है हमारे देश में, और वो फिर प्रदूषण इतना फैल जाता है ना। वृंदावन में कभी भी ऐसा प्रदूषण नहीं हुआ, अभी 2-3 सालों से मतलब ज़्यादा प्रदूषण होने लग गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा पटाखे फोड़ने लग गए हैं। और दिल्ली से भी प्रदूषण जो है यहाँ पर आ जाता है हवा के थ्रू। सो कम जलाओ, ज़्यादा मत जलाओ, लिमिटेड ही अच्छा रहता है हर चीज़। लिमिट के बाहर जाता है तो हर चीज़ बेकार ही हो जाता है। सो मैं अभी चाय बनाने लगी हूँ मम्मी के लिए, और फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और मैं चाय के लिए दूध लेने गई थी नीचे से, मैं ले आई हूँ दूध दोस्तों। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप सबको कैसा व्लॉग पसंद है देखने में, मैं तो बनाती ही हूँ वैसे थोड़े बहुत, जो भी कोशिश करती हूँ। छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट व्लॉग्स होते हैं मेरे, मैं लंबे व्लॉग्स तब बनाऊँगी जब मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे। आप लोग मेरे व्यूज़ बढ़ा दोगे और सब्सक्राइब कर दोगे मेरे चैनल को, तो मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स और बनाना शुरू करूँगी। और आप लोग बस मुझे ये बोलना था कि आप लोग खुश रहो, प्यार बांटो, और दोस्तों बहुत सारा पॉजिटिव वाइब्स रखो अपने अंदर, और सबको पॉजिटिव वाइब्स दो दोस्तों। नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव किसी को सोचने भी मत दो। अगर कोई नेगेटिव सोच भी रहा है तो उसको प्रोत्साहन करो, उसको अच्छी अच्छी बातें बोलो, सो वो भी अच्छा फील करे और मैं भी अच्छा फील करूं, तो फिर दोस्ती और अच्छी होती है, दोस्ती और गहरी होती है। सो बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए और समझदारी होनी चाहिए। और बस यही छोटी मोटी बातें ध्यान में रखते हुए इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। और आप सबको जय श्री राधे फ्रॉम वृंदावन, और जय श्री राधे फ्रॉम बांके बिहारी जी। बांके बिहारी जी आप सभी के ऊपर कृपा बनाए रखे, आप सभी के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे, और जितनी जल्दी हो सके जो जो वृंदावन नहीं आए हैं दर्शन करने के लिए वो सब वृंदावन दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। और सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्ते, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन खुश रहो, प्यार बांटो, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखो, अपने प्यार में मुझे याद रखो, और प्यार ऐसे ही देते रहो, और चाहिए मुझे प्यार, और देते रहो। आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारा ढेर सारा प्यार। सो गुड नाइट दोस्तों, टेक केयर, टाटा बाय बाय।